दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबियत बिगड़ी है और लगातार हम आपको सुबह से ही पल पल की इसमें अपडेट भी दे रहे हैं। और फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है ये कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। तो बता दें दोस्तों आपको कि लगातार जिस तरह से हीराबेन जो कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ है, हीराबा, उनको कफ की शिकायत थी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और डॉक्टरों की तरफ से फिलहाल ये बताया गया कि इनकी जो हालत है फिलहाल वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी अस्पताल में फिलहाल मौजूद हैं। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अभी फिलहाल जब उनका 100 साल की जब हीराबा हुई थी उसी वक्त उनका जन्मदिन मनाया था, गुजरात पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद दिया था और उनको एक शॉल भी गिफ्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज उनकी तबीयत जैसे ही खराब हुई, प्रधानमंत्री को ये जानकारी मिली, तुरंत वो अस्पताल में पहुंचे और फिलहाल वहीं पर वो मौजूद हैं जो जानकारी हमें मिल पा रही है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि शाम 6 बजे जो हेल्थ बुलेटिन है वो दरअसल अब जारी किया जाएगा और हेल्थ बुलेटिन जारी करने के बाद जो असल की स्थिति है वो सामने आ पाएगी। लेकिन एक चीज हम आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं कि इस जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद सियासी हलकों की तरफ से भी कई बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी का इस पर ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने एक शानदार ट्वीट करते हुए लिखा है कि मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबियत खराब होने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली तो सभी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं जल्द से जल्द, क्योंकि 100 साल की वो हैं। कफ की शिकायत होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल तो जानकारी यही है कि पीएम मोदी समेत गुजरात के मुख्यमंत्री और तमाम नेता वहां पर उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल में मौजूद हैं।